राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। बांस के पौधे से वास्तु दोषों को कम करना एक पुरानी परंपरा रही है। एक्चुअली बाम्बू प्लांट्स को जिस जगह लगाया जाता है उस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, और इसी तरह बांस का पौधा दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य को अपनी तरफ खींचता है। ये मान सम्मान, यश और कीर्ति बढ़ाने वाला पौधा है। शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना गया है और साथ साथ ज्ञान का प्रतीक भी। आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से लगा सकते हैं। कहते हैं जिस स्थान की मिट्टी में बांस फलता फूलता है वह स्थान दैवीय शक्तियों वाला होता है, वहां बुरी आत्माएं नहीं टिक सकती। बांस या बंबू का पेड़ गार्डन में उगाने के लिए अपने घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का स्थान चुनें। कोशिश करें कि इसे थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी में लगाएं, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पहले से ही नमी हो। इसकी देखभाल करने के लिए अपने घर के पेट्स या जानवरों को इससे दूर रखें। इसकी देखभाल के लिए किसी माली की सलाह लें, क्योंकि एक बार अच्छी तरह से उगने के बाद ये घर के संरक्षक की तरह काम करता है। अगर आजकल लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं तो लॉन और गार्डन में बड़े बांस के पौधे लगाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए बाजार में छोटे छोटे बांस के पौधे बम्बू प्लांट के नाम से उपलब्ध हैं। आप चाहें तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में उन्हें अपने यहाँ लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप हमेशा ऑड नंबर में ही बांस के पौधे लगाएं, जैसे 3, 5, 7 या 9। घर में पानी के अंदर बाम्बू प्लांट्स लगाते समय ध्यान रखें और उनकी पत्तियों पर धूल मिट्टी जमा न होने दें। पानी को बीच बीच में बदलते रहें तो निश्चित ही बम्बू की पॉजिटिविटी आपके घर परिवार में भी खुशहाली लाएगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडिताइन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद का।